ये सुर्खियों में बने रहने का तरीका है, मेडिटेशन का नहीं होना चाहिए प्रसारण। पीएम के ध्यान पर चुनाव आयोग से बोला विपक्ष। यहाँ लोकसभा चुनाव के अंतिम सातवें चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए कन्याकुमारी गए, जहाँ वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 1 जून तक मेडिटेशन करेंगे। वहीं पीएम के कन्याकुमारी में मेडिटेशन करने की जानकारी सामने आने के बाद से विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में CPIM तमिलनाडु के सचिव के बालाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कन्याकुमारी में पीएम के ध्यान करने के दौरान होने वाले खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें, बालाकृष्णन ने अपनी शिकायत में कहा कि पीएम मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये उनकी निजी पसंद है, लेकिन मीडिया द्वारा इसका सीधा प्रसारण करना मोदी और बीजेपी के लिए एक बड़ी प्रचार सामग्री बन जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर किया कि चुनाव के दिन तक पीएम का सुर्खियों में रहना MCC का गंभीर उल्लंघन है। CPIM सचिव के अलावा पीएम के 30 मई से 1 जून की शाम तक मेडिटेशन करने पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। इस बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा कि 48 घंटे के साइलेंट पीरियड में किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी नेता कुछ भी करे, चाहे वो मौन व्रत रखे या कुछ भी करे, पर साइलेंट पीरियड में ये अप्रत्यक्ष अभियान नहीं होना चाहिए। हमने शिकायत की है कि पीएम मोदी ने घोषणा की है कि वो 30 मई की शाम से 1 जून 7 बजे तक मौन व्रत पर बैठेंगे। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप मीडिया द्वारा प्रचार कर रहे हैं या खुद को प्रसारित कर रहे हैं। वहीं DMK एलंगोवन ने कहा कि मुझे नहीं पता ये मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं। ये घोषणा चुनाव खत्म होने के बाद भी हो सकती थी, लेकिन वो अंतिम चरण में ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग सोचे कि वो भगवान के भक्त हैं। वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो हिंदू हैं, वो भगवान में विश्वास करते हैं, ताकि लोग उन्हें वोट दें। ये लोगों को प्रभावित करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है जो चुनाव आयोग के सभी नियमों के खिलाफ है। वहीं भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा अपने आध्यात्मिक प्रवास के लिए कन्याकुमारी को चुनने का फैसला देश के लिए विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे, उसका विवेकानंद के जीवन पर बहुत प्रभाव था। उन्होंने कहा कि विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद यहाँ पहुँचे थे, 3 दिनों तक ध्यान लगाया और विकसित भारत का सपना देखा था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के प्रवास के दौरान भारी सुरक्षा समेत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से गुरुवार से शनिवार तक समुद्र तट पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। इसके साथ ही निजी नौकाओं को भी चलने की अनुमति नहीं होगी। देश के दक्षिणी छोर पर स्थित इस जिले में 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कड़ी निगरानी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के समर्थन में कहा कि जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की धज्जियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था, जिनके कारनामों से जनता ने उन्हें बार बार ठुकराया है, वो लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना की आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो लोग भोग में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वो लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।